गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आई एम अग्रवाल मिस, योर मैथ्स टीचर. टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 1G, माइंड जिम ऑफ चैप्टर 1, लार्ज नंबर्स. ऑन पेज नंबर 3030, नोट डाउन सी डॉट डब्ल्यू डेट एंड डे. So students, our first question is, write the following Hindu Arabic numbers in Roman numerals. हमें कुछ numbers दिए हैं, उन्हें हमें Roman numbers में convert करना है. So students, let's start. Our first number will be 7. अब 7 को हम Roman number में कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपको पता है, हम 1 के लिए I, 2 के लिए 2i, 3 के लिए 3i, 4 के लिए iv और 5 के लिए लिखते हैं v. तो हम 7 के लिए क्या लिखेंगे? v double i. So it is a Roman numeral for number 7. Then 42. अब 42 कैसे लिखेंगे? 40 के लिए हम क्या लिखते हैं? xl, है ना? 40 के लिए हम लिखते हैं XL और 2 के लिए II. Understood? Then 156. अब हम लिखेंगे 100 के लिए. अब दिया गया नंबर 156 हम कैसे लिखेंगे? 100 प्लेस पे है 1, तो हम 100 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में? हम लिखते हैं C. C means 100 और 50 के लिए क्या आएगा? L. 50 के लिए L और 6 को हम कैसे लिखेंगे? V I. Understood? तो C L V I हो गया Roman numeral for number 156. Then our next number is 1616. 10 के लिए हम लोग लिखते हैं X and 15. 10 के लिए लिखते हैं X और 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? अगेन V I. तो हमारा X V I रोमन न्यूमरल हो गया फॉर विच नंबर? नंबर 16. देन 9999. अब 99 हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में? जैसे कि आपको पता है, हम X C लिखते हैं 90 के लिए. एंड 9 के लिए क्या लिखेंगे हम? I X. तो ये हमारा नंबर हो गया X C I X फॉर नंबर 9999. देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट नंबर इज 114. 100 के लिए क्या आएगा? 100 के लिए आ जाएगा C, देन 10 के लिए आएगा X, देन 4 के लिए क्या आएगा? I V, है ना? तो ये हमारा हो गया रोमन न्यूमरल फॉर नंबर 114. अंडरस्टूड? Then question number 2, write the following Roman numeral in Hindi Arabic numeral. अब हम जो question पढ़ेंगे वह इस प्रकार से है कि हमें Roman numeral दिया है, हमें उसका Hindu Arabic numerals में convert करना है. तो हमारा first Roman numeral है XIV. X हम लिखते हैं 10 के लिए और IV के लिए होता है number 4. तो ये कौन सा नंबर डिपिक करेगा? 1414. देन क्वेश्चन नंबर बी, सी एल एक्स वी आई आई. तो सी के लिए होता है 100. इसको हम अलग से कॉपी में सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है?
हमारा गिवन नंबर है CLXVII। अब इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो C के लिए हम लिखते हैं 100, है ना? और LX के लिए क्या आ जाएगा? सिक्सटी, एल के लिए 50 एंड एक्स के लिए 10, 50 + 10 = 60 एंड VII इज फॉर स्टैंड फॉर 7, सो आर नंबर विल बी 167। अंडरस्टूड? देन क्वेश्चन नंबर सी, XLV। हाँ, तो हम XL के लिए लिखते हैं 40, है ना? एंड V के लिए लिखते हैं 5, तो आर नंबर विल बी 4545। देन क्वेश्चन नंबर डी, LXXII। अब L के लिए लिखते हैं हम 50, अंडरस्टूड? X के लिए 10, अनदर X के लिए 10 एंड II के लिए 2, अंडरस्टूड? तो नंबर क्या बन गया? अब हम इन सबको प्लस करते हैं, 50 + 10 = 60, 60 + 10 = 70 एंड 70 + 2 = 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7272। देन क्वेश्चन नंबर ई क्या है हमारा? XXVII, है ना? तो फर्स्ट एक्स के लिए हम लिखेंगे 10 + 10 + 10 + 10 + एन वी आई हो जाएगा 6 के लिए, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर? 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30 एंड 30 + 6 = 36। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3636। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ इज XXIX, अंडरस्टूड? देन एक्स के लिए हम लिखेंगे 10, अनदर एक्स के लिखेंगे 10 एंड आई एक्स के लिए आएगा 9, है ना? तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा? 10 + 10 = 20 एंड 20 + 9 = 29। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2929। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन योर बुक एंड नोटबुक ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।